हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग गाइस, होप ऑल यू आर गुड। आप सब अच्छे हो, आशा करता हूँ। और इस ब्लॉग पे अपन आज गाइस पहली बार बेंगलुरु में दौड़ने वाले हैं, वो भी काफ़ी डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर के आसपास है। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ से बगलकुंडे बोलने लगी जगह है, वहाँ पे जाने वाले अपन क्या लेने जाने वाले वहीं पे आपको दिखाते हैं। बट मैं हर बार साइकिल से जाता था, इस बार अपन पहली बार बेंगलुरु में दौड़ने वाले हैं गाइस। तो अपन काफ़ी एक्साइटेड, देखिए काफ़ी टाइट पहने ताकि थोड़ा स्वेट निकले, जूता तलाक रेडी है। अपन जाएंगे यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास दौड़ेंगे, जो चीज़ लेने लेंगे, आते समय चल के आना पड़ेंगे, थोड़ा भारी होगा क्योंकि 3-4 किलो का और बैग का फटवट ना जाए। ओके, तो ऐसा करेंगे, अपने सोचा है आज का वीडियो। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे को रास्ता इतना पता नहीं है, तो मुझे गूगल में भी देखना है, साथ ही साथ दौड़ना भी है। और एक प्रॉब्लम हो रही है, वो है मौसम का। मौसम काफ़ी बिगड़ गया है, आप लोग को दिखा दूँ, देखिए कुछ इस तरह से हो गया मौसम। वेदर मतलब बारिश आने का काफ़ी संभावना है, और मैं छत्ती लेके नहीं जा रहा हूँ। ओके, तो छत्ती लेके नहीं जा रहे हैं, देखते हैं क्या कैसा होता है। तो यहाँ से अपन निकल रहे हैं, 7:54 हो गया, तो निकलते 8 बज जाएगा। ओके, देखते हैं अपन हम कितने बजे पहुँचते हैं दौड़ के जाने से। साइकिल से जाने से अपन को 5 से 7 मिनट लगता था, साइकिल से कितना होता है, इतना स्पीड चलाता था साइकिल 4 किलोमीटर 5 से 7 मिनट का देता था। ओके, तो भाई सीधा निकलते हैं रोड पे। यहाँ तो अपन घर से निकल गए गाइस, और यहाँ पे आए हैं एक मंदिर है पास में, अंजना स्वामी जी का। ओके, तो यहाँ पे आए तो यहाँ से अपन जाएंगे गाइस। अब हाथ में एक मेरा हाथ से देते रूमाल और एक मोबाइल तो रहेगा हाथ में। तो यार 3-2-1 चलते हुए अपन स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस 3.45 किलोमीटर, वो भी कुछ कुछ मैंने शॉर्टकट ले लिया रे। जहाँ टर्निंग था उससे पहले मैं फुटपाथ से टर्निंग ले रहा था, कर लिया कोई गली से घुस गया एक दो, तो ऐसा करते हुए मेरे को लग गए 20 मिनट 39 सेकेंड, 3.45 किलोमीटर में अपन पहुँच गए। ओके, तो पहला किलोमीटर मेरे को 5 मिनट 4 सेकेंड हुआ था, दूसरा 11 मिनट और तीसरा 16 मिनट। तो वहाँ से 450 किलोमीटर दौड़ने के लिए मैंने आपका 35 सेकेंड लगा दिया। काफ़ी थक गया हूँ। ये है गाइस बगलकुंडे सिग्नल, देखिए अब कितना भीड़ है, वहाँ पर देख सकते हैं 3 नाली है, 3 वेज। तो अपना इधर से तो काफ़ी पसीना अच्छा लगा, क्योंकि गाइस बहुत टाइम से मैं दौड़ नहीं रहा था, पहली बार 5 महीना में दौड़ा हूँ। सोचिए 3.45 किलोमीटर 20 मिनट में, हालत ख़राब हो गया। अबे एक गलत बात हो गया गाइस, रोज़ खुलता था 8 बजे, तो रात को नहीं बोले 9 बजे, क्योंकि कुछ थोड़ा काम है घर पे, अभी आधा घंटा रुकना पड़ेगा। तो आधा घंटा तक चलिए आपको दिखा देते हैं कुछ बगलकुंडे का सीन, सिनेमैटिक व्यूज और नज़ारे।
काफ मसल का हल्का दर्द हो गया, जो पेन कर रही है। मैं राइट साइड का थोड़ा मतलब पता नहीं काफ मसल आजकल बहुत लग रहा है, कभी कोई साइकिल ज़्यादा चला लेने से, कभी ज़्यादा दौड़ लेने से, कभी ज़्यादा चल लेने से काफ़ी मतलब हाथ खराब हो गया। काफ मसल थोड़ा खींच रहा है यहाँ पे, काफ मसल क्लियर शायद पता नहीं। तो हाँ गाइस, अपन ने अपना सामान जो लेना था ले लिया है और अभी जा रहे हैं रूम की ओर। तो अपन लेने आए थे गाइस मीट, तो अभी 3 किलो अपन ने ले लिया है और काफ़ी भारी लग रहा है बैग पीछे की ओर। तो अपन अभी सोच रहे हैं गाइस चल के ही जाएंगे, क्योंकि एक तो बैग भारी है और ऊपर से पैर में दर्द भी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया आगे थोड़ी देर पहले बहुत पेन हो रहा है जो। तो ठीक है गाइस, इसको वीडियो को इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप ब्लॉगिंग, कीप इन्जॉइंग, बाय बाय।